तो आज मैं आपको अपने साथ लेकर के चलती हूँ मेरी एक छोटी सी संडे ट्रिप पे, जिसमें हम लोग गए थे मेरे घर के पास ही एक डेयरी फार्म है, वहाँ हम गए थे। ये गुजरात और मुंबई हाईवे पे है और मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस हमारा अचानक से प्लान बना और हम लोग निकल पड़े। तो ये डेयरी फार्म में जो है बाहर से भी काफ़ी ग्रीनरी है, और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग यहाँ पे ब्रंच करेंगे, तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ 11-12 बजे आई तो काफ़ी खाली था, क्योंकि लंच टाइम पे यहाँ पे काफ़ी रश होता है। बिल्कुल बढ़िया, थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल रेस्टोरेंट से थोड़ा हट करके यहाँ पे एनवायरनमेंट था, ग्रीनरी थी एंड इसका जो एम्बियंस था वो भी बहुत अच्छा था, तो मैंने तो बहुत यहाँ पे एंजॉय करा। तो ये यहाँ का सेल्फ सर्विस एरिया है, शेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, बट थोड़ी धूप यहाँ पे लग रही थी तो हम लोग थोड़ी दूसरी साइड पे जा कर के बैठे। और यहाँ पे जो है फ्रेश डेरी है, तो इसमें दूध के बने हुए काफ़ी स्वीट्स और पनीर वगैरह मिलता है, दही और लस्सी यहाँ का तो बहुत ही डिलीशियस है, इसको तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। रेट्स थोड़े हाई हैं मगर टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो हमने सोचा कि चलिए अगर हम डेयरी में आए हैं तो क्यों ना हम कुछ फ्रेश दूध के बने हुए जो आइटम्स हैं उसी से रिलेटेड कुछ ऑर्डर करें। तो बच्चे हमारे साथ थे तो इन लोगों ने कुछ कोल्ड कॉफ़ी और चॉकलेट शेक ऑर्डर करा, और यहाँ का पनीर पकौड़ा तो बहुत ही औसम था। हमने यहाँ पर कुछ चाय आइटम भी ऑर्डर करे थे जो बहुत ही डिलीशियस थे, और यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करा था जो काफ़ी चीज़ी था। उसके बाद हमने ऑर्डर करी थाली, यहाँ पे पंजाबी, फारसी और गुजराती तीनों थाली अवेलेबल थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ दो थाली ऑर्डर करी। काफ़ी मतलब इन दोनों थाली में काफ़ी वैरायटी थी और टेस्ट भी बढ़िया था। मैं थोड़ी फारसी थाली से फैमिलियर नहीं हूँ तो मुझे इतनी फारसी थाली पसंद नहीं आई, और काफ़ी टाइम से मैं गुजरात रह रही हूँ तो गुजराती थाली मेरे को पारसी से काफ़ी बेटर लगी। और पंजाबी थाली तो यूजुअली हम लोग अलग ढाबा में जाते हैं तो वहाँ तो खाते ही हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये दोनों थाली ऑर्डर करी थी जस्ट फॉर ए टेस्ट। और यहाँ पे छोटे छोटे इन्होंने जो है एनिमल्स भी रखे हुए थे, काफ़ी बिल्कुल अच्छा माहौल था। तो अगर आप लोग अगर गुजरात से मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं या फिर मुंबई से गुजरात ट्रैवल कर रहे हैं तो बीच में ये पारसी डेयरी ज़रूर आएगी, तो आप लोग एक बार इसको विज़िट करिएगा। और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एवरी वीक एक नई रेसिपी लेकर के आती हूँ। तो फिर मैं अपने रेगुलर फूड वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।